नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली सीट की वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला है बीजेपी कैंडिडेट कमलजीत सहरावत और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार महाबल मिश्रा में जोरदार मुकाबला देखने को मिल रहा है पश्चिमी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत से जब बातचीत की जा रही है तो उनका कहना है कि हम लोगों को पिछले दस साल के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के तीन तरह के कामों के बारे में जनता को बता रहे हैं पहला यह काम है कि जो उन्होंने देश के लिए किया है और दूसरा वह काम जो उन्होंने दिल्ली के लिए किया है तीसरे वे जो उन्होंने पश्चिमी दिल्ली के लिए खास तौर से किए हैं दस साल में पश्चिमी दिल्ली में केंद्र सरकार ने कई विकास परियोजनाओं को पूर्ण किया है यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर द्वारका एक्सप्रेस वे यू ई आर टू और भारत वंदना पार्क जैसे बड़े प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की ही देन है जब हम बीजेपी का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं तो हमें कोई चुनौती नजर नहीं आती ऐसा कमलजीत सहरावत का मानना है विपक्षी पार्टी जिस पार्टी को खरी खरी खोटी सुनाती थी आज उनके साथ है कांग्रेस और आपका गठबंधन हो चुका है इससे उनकी विचारधारा को लेकर लोग कन्फ्यूज़ हैं हम अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते हैं हम भी पूर्वांचलियों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं मैं भी दिल्ली में एक प्रवासी हूं हम सब मिलकर छठ पूजा मनाते हैं इसलिए पूर्वांचली फैक्टर विपक्ष में के पक्ष में जाएगा ऐसा नहीं है जब प्रवेश वर्मा पर उनसे सवाल पूछा गया कि उनकी टिकट कटी तो इसका क्या असर रहेगा तो कमलजीत सहरावत ने कहा कि प्रवेश वर्मा ने वेस्ट दिल्ली सीट पर पिछले दस साल में काफ़ी काम किया है इस बार पार्टी ने इस सीट पर मुझे मौका दिया है प्रवेश वर्मा के अच्छे कामों को देखते हुए पार्टी ने जरूर उनके लिए कुछ इससे भी अच्छा सोचा होगा जहां तक मेरी बात है मैं कभी पीएम नरेंद्र मोदी से ना मिली हूं ना कभी गृह मंत्री अमित शाह से मिली हूं मैंने तो निगम चुनाव लड़ा है और उसमें काम किया है जीत और हार को लेकर के कितने आश्वस्त हैं इस सवाल के जवाब में कमलजीत सहरावत का कहना है कि हम जीत के लिए चुनावी मैदान में नहीं हैं हम अपनी जीत के मार्जिन को बड़ा करने के लिए मैदान में हैं बीजेपी के सातों प्रत्याशी जीत के मंजिल को मार्जन को बड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं बीजेपी के कामों पॉलिसी के आधार पर बीजेपी की जीत तय है पब्लिक का बीजेपी को समर्थन और प्यार दोनों मिल रहा है सीएम अपने निवास पर बयालीस करोड़ रुपए खर्च करते हैं आम आदमी पार्टी के सीएम केजरीवाल वह एलजी ने नहीं रोका पूरी की पूरी एक्साइज पॉलिसी को केजरीवाल जी बदल देते हैं उसे एलजी ने नहीं रोका इनका बस एक ही फंडा है कि जो नहीं कर पा रहे हैं उसे एलजी को रोकने को लिए कह रहे हैं और इस तरह से दिल्ली की जनता कन्फ्यूज़ हो रही है जब कमलजीत सहरावत को से पूछा गया कि उन्होंने बताया मुझे महिलाओं के बसों में फ्री चलने से कोई ऐतराज नहीं है लेकिन वही महिलाएं चलें जिन्हें इनकी ज़रूरत है आज जनता समझ चुकी है कि फ्री के नाम पर उन्हीं का नुकसान हो रहा है अरविंद केजरीवाल जेल में है इसका क्या असर है चुनाव पर जब उनसे पूछा गया तो कमलजीत सेरावत ने कहा कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी को न फायदा होगा और न ही नुकसान होगा बीजेपी का फोकस युवाओं को नौकरी देने वाला बनाने पर है इसके लिए मुद्रा लोन स्टार्टअप स्कीम विश्वकर्मा योजना जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं लेकिन इनकी जानकारी लोगों को कम है इसके लिए हम कॉमन सेंटर बनाएंगे इस तरह के कॉमन सेंटर अनधिकृत कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए बनाई गई योजना पीएम उदय के लिए भी बनाए गए लेकिन स्कीम का लाभ लोगों को नहीं मिला कमलजीत सहरावत से जब पूछा गया कि सांसद बनने के बाद आप किन कामों को प्राथमिकता देंगी तो उनका जवाब था मेरे संसदीय क्षेत्र में गांव घनी आबादी वाली कॉलोनियां सब सिटी द्वारका अनथोराइज कॉलोनियां सभी हैं सभी का ध्यान रखते हुए मैंने विकास का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है हमें सबका विकास करना है द्वारका के लोग पानी ट्रैफिक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं सभी की समस्याएँ अलग अलग हैं अनथराइज कॉलोनियों में मेरी प्राथमिकता पारक कम्युनिटी हॉल बनवाने की रहेगी वहीं शहरीकृत गांवों में ग्राम सभा की ज़मीन का कमर्शियल यूज़ नहीं होगा इन जमीनों पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी हॉल जैसी सुविधाएं होंगी ताकि ग्रामीणों की समस्याएं दूर हो सके ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए नजबगढ़ रोड और रोहतक रोड के बीच में यह रास्ता बनवाना प्राथमिकता रहेगा साइबी नदी के पिलर खड़े कर एक एलिवेटेड रोड बनाने का रोड मैप तैयार है नांगलोई से नजफगढ़ रोड पर यू ई आर टू के समानांतर मेट्रो को लाना प्राथमिकता रहेगी कमलजीत शेरावत पूरी तरह से जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही हैं और लगातार पसीना बहा रही हैं और धुआंधार प्रचार कर रही हैं पश्चिमी दिल्ली में स्टार प्रचारकों की एक लंबी सूची है उनका कितना असर पड़ेगा यह देखने लायक रहेगा